बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को फाजीन हेयर मास्क का रिव्यू देने वाली हूँ। किस तरह इसको अप्लाई करना है, फेक कौन सा है, रियल कौन सा है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो जब आपने इसको ले लेना है, सबसे पहले आपने इसकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। सबसे बड़ा जो आपको इसका डब्बा है 1 kg वाला 1000 समथिंग में मिल जाएगा, और जो मेरे हाथ में है वो 1/2 kg वाला जो आपको 600-700 में मिल जाता है। अब इसकी पहचान क्या है कि रियल कौन सा है, तो जो रियल होगा उसकी पहली पहचान ये, जब आप इसको खोलेंगे तो उसमें इस तरह एक सील लगी होगी, और दूसरी चीज़ ये इस तरह ग्रीनिश सा होगा, और इसमें आपको बीड्स नज़र आएंगे बहुत सॉफ्ट, जैसे सागूदाने के बीड्स होते हैं बिल्कुल वैसे, जैसे सागूदाने पानी में होते हैं बिल्कुल उस तरह। और जो फेक होगा वो ग्लू की तरह होगा, जैसे वाइट ग्लू होती है। सबसे पहले हमने क्या करना है, गीले अपने बाल नहाने के बाद, आपके जो बाल गीले हैं हमने बिल्कुल उस तरह लेने हैं। आपने शैम्पू ज़रूर करने हैं अपने बाल, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है। गंदे बालों पे अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आपने आज शैम्पू किया है तो कल आप इसको लगा सकते हैं, और अगर आप पास टाइम है तो आप शैम्पू के बाद ही इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बाल जो है अपने स्प्रे से गीले कर लिए हैं, और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने फाजीन हेयर मास्क लिया है। इसका टेक्स्चर वगैरह बहुत स्मूथ है, बहुत सॉफ्ट है। इसको आपने 20 मिनट के लिए अपने बालों में लगाना है, तो वही मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरीके से मैं लेंथ वाइज इसको लेके जा रही हूँ, और इसको अच्छे तरीके से अप्लाई कर लूँगी। आप चाहें तो इसको रूट्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगी क्योंकि है तो ये केमिकल ही, सो डोंट ट्राई टू यूज़ इट ऑन योर हेड। लेकिन अगर आप कर भी लेते हैं तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, आपके बाल वगैरह नहीं गिरेंगे जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ। उसके बाद जब आपने हेयर मास्क लगा लेना है तमाम बालों के ऊपर, जैसे मैंने दोनों साइड्स पे लगाया है तो मैं वो सारा दिखा रही हूँ। ये बेसिकली मास्क प्रूवन है कि ये फ्रिज को कंट्रोल करता है, आपके बालों को सॉफ्ट और शाइनी बनाता है। शाइन वगैरह आए कि नहीं सब मैं आपको एंड में बताऊंगी। अब क्या करना है, आपने अपने बालों को एक जूड़ा बनाकर इस तरीके से पिन कर लेना है, और मैं यहाँ पर आप लोग चाहें तो शावर कैप भी चढ़ा सकते हैं अपने बालों पर। अगर शावर कैप आप लोगों ने नहीं चढ़ानी तो आप लोग एक शॉपर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरीके से आप छोटा सा शॉपर जो है वो लेकर अपने हेड पे इस तरीके से आप चढ़ा लें, और शावर कैप अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन यूज़ इट। उसके बाद 20 मिनट लगे रहने के बाद आप इसको धो लें, और अब यहाँ पे मेरा जो रिज़ल्ट है आपको बताती हूँ। शाइन आई है, सॉफ्टनेस आई है बहुत ज़्यादा, फ्रिज इसने कंट्रोल किया, अभी तो गीले ही हैं बाल, लेकिन शाइन फ्रिज कंट्रोल की है और बहुत अच्छा है। 100% रिकमेंड करूँगी आप इसको ट्राई करें। तो ये था जी मेरा पर्सनल रिव्यू, जिसमें आपको बता दिया कि मेरे बालों पे इसने क्या इफेक्ट दिया और किस तरह आपको इसको इस्तेमाल करना चाहिए, और फेक और रियल क्या है। आई होप आपको सब समझ आ गई होगी, नहीं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।